हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एमपी बोर्ड में महत्वपूर्ण टॉपिक। एमपी बोर्ड में आपको प्रूव करने के लिए एसी सर्किट से पूछता है पी एवरेज इक्वल टू वीआरएमएस इनटू आईआरएमएस इनटू कॉस फाई। ये आपसे पूछता है जहाँ पे पी एवरेज है पावर का एवरेज वैल्यू, औसत मान वीआरएमएस वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आईआरएमएस करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और यहाँ पे कॉस फाई जहाँ पे फाई आपका फेज डिफरेंस है। ये प्रूफ करने के लिए एमपी बोर्ड में कई बार आता है। इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या है, हम जानते हैं इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस पावर इज अ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करेंट। किस तात्क्षणिक मान धारा का प्रत्यावर्ती धारा में धारा वोल्टेज के तात्क्षणिक मान तथा आपका जो है करंट के, करंट अर्थात धारा के तात्क्षणिक मान का जो प्रोडक्ट होता है वह औसत मान शक्ति के औसत मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाता है, 1। I के लिए हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होगा, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये इक्वेशन नंबर 2 होता है। हमारी डेफिनेशन से वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वी इंटू आई। इक्वेशन 1 और 2 से हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, पी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जीरो साइन ओमेगा टी इंटू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एवरेज इक्वल टू वी जीरो इंटू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और 2 का डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, वी जीरो इंटू आई जीरो अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, और यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसको हम अप्लाई कर देंगे। ये मैंने पहले से लिख दिया, तो वी जीरो इंटू आई जीरो अपॉन 2, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए माइनस बी ओमेगा टी और माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस का फाइव। यहाँ पे क्या देखते हैं, ओमेगा टी से ओमेगा टी हमारा कैंसिल हो गया, तो पी एवरेज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी जीरो अपॉन रूट 2, 2 को हम दो पार्ट में डिवाइड करके रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, आई जीरो अपॉन रूट 2 इंटू, ये क्या हो गया आपका कॉस फाई, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम जानते हैं किस कंप्लीट सर्कल के लिए, किसी भी एसी सर्किट में कंप्लीट सर्कल के लिए जो रूट में कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव की वैल्यू होती है वो जीरो के इक्वल होती है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एवरेज वी जीरो अपॉन रूट 2 हमारा होता है वी आर एम एस, आई जीरो अपॉन रूट 2 होगा हमारा आई आर एम एस, और ये हमारा हो जाएगा कॉस फाइव माइनस जीरो। ये मैंने यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, तो पी एवरेज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। यही हमें प्रूफ करना था। अगर आप ऐसे करके आएंगे तो आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, एग्जाम में कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 9th से लेकर 12th तक और कॉम्पिटिशन लेवल की मैथ्स की वीडियो बनाने के लिए मैंने यह चैनल बनाया है। आप सभी को आसानी से समझ में आ सके ऐसा मैं प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।